बिल्कुल आस्था, देखिए आपदा प्रबंधन विभाग पिछले दो दिनों से लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। जैसे ही मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया था कि प्रदेश में अगले तीन दिनों तक रेड अलर्ट रहेगा बारिश का, उसके मद्देनज़र पूरी तरह से यहां व्यवस्थाएं बनानी शुरू कर दी। और खासकर ये बात रही मुख्य कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव से बात की, उसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग का निरीक्षण किया, सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए किसी भी तरह से कोई दिक्कत किसी भी स्थानीय लोगों समेत यात्रियों को नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त भी मौसम का मिजाज देखिए किस तरह का बना हुआ है, सुबह से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि ये बूंदाबांदी है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों से इस तरह की जानकारी मिली है कि वहाँ पर तेज़ बारिश है। और यमुनोत्री, गंगोत्री, उत्तरकाशी और केदारनाथ की जो ऊंचाई वाली चोटियाँ हैं वहाँ पर हिमपात भी हुआ है, हल्का बर्फबारी हुई है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यदि दो दिनों तक इस तरह का मौसम रहा तो आने वाले दिनों में ठंडक भी बढ़ेगी और उससे दिक्कतों की भी लोगों को हो सकती हैं। जो चारधाम यात्रा है उसको अस्थायी तौर पर रोका गया है, दो दिनों तक इसको रोक दिया गया है आज और कल, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और ये कहा गया है कि जो 2013 में जिस तरह से बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, उसी की तरह यहाँ पर पूरे प्रदेश भर में बारिश होगी। कुमाऊं क्षेत्र में आज ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, इन जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। उसके साथ गढ़वाल क्षेत्र के भी कई जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसलिए मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है उसके बाद सभी जिलों के DM ने निर्देश दे दिए हैं कि फिलहाल आज जो सभी स्कूल हैं वो बंद रहेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, सभी छोटे स्कूल से लेकर बड़े कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। ये इसलिए ही एहतियात दी गई है कि आने वाले दिनों में लोगों को दिक्कत ना हो, खासकर बच्चों को दिक्कत ना हो। तो कहा जा सकता है कि मौसम विभाग के निर्देश के बाद पूरी तरह से आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट हो गया है और ये एडवाइजरी जारी की गई है कि चारधाम यात्रा को दो दिन तक अस्थायी तौर पर रोका जाए। जो यात्री गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के लिए दर्शन के जा रहे हैं उनको उसी स्थान पर रोका जाए जहाँ वो ठहरे हुए हैं। तो दो दिनों तक अलर्ट है और ये देखा जाएगा कि दो दिनों बाद यानी आज और कल के बाद किस तरह से मौसम का मिजाज बदलता है। जो 3000 से ज्यादा ऊंचाई वाली चोटियां हैं वहां पर हिमपात शुरू हो गया है, तो आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंडक भी बढ़ेगी। आस्था, बिल्कुल। तो देहरादून का अपडेट आपने बताया हमें और अब रुख करेंगे हम हल्द्वानी का। अंकित हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़े हुए हैं। अंकित, सबसे पहले तो बताइए हल्द्वानी में इस वक्त मौसम कैसा है और मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह के एहतियात यहाँ बरते जा रहे हैं? आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जिस तरह से रेड अलर्ट उत्तराखंड में घोषित किया है उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर जिला हो सकती है और तेज हवाएं भी यहाँ पर चल सकती है। और हल्द्वानी का बात करें तो हल्द्वानी में कल रात से ही बारिश का आलम जारी है और अभी तक यहाँ पर बारिश चलते आ रही है। सुबह से ही यहाँ पर तेज हवाएं चल रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन की बात करें तो जिला अधिकारी ने सभी यहाँ पर स्कूल एक दिन के लिए बंद कर दिए हैं ताकि कोई नुकसान न हो। और वहीं जो नैनीताल की बात करें, नैनीताल क्षेत्र में जो पर्यटक आते हैं उनको उनके लिए प्रशासन ने कहा है कि आप ना आए और साथ ही साथ सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए, 24 घंटे अपने मोबाइल ऑन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बाका जो अलर्ट तक घोषित किया है मौसम विभाग की ओर से वो देखने को मिल रहा है। और हल्द्वानी में जिस तरह से बारिश हो रही है, कंटिन्यू अगर इस तरह से बारिश होगी तो हल्द्वानी की जो गोला नदी है वो भी अपने उफान पर हो सकती है। जो गोला नदी के किनारे लोग रह रहे हैं उस पर प्रशासन अलर्ट मोड में उनको दूसरी तरफ शिफ्ट करने के मोड में आ रहा है। बिल्कुल अंकित, तो देखिए इस तरीके से जो हल्द्वानी में है वो एहतियात बरते जा रहे हैं और पूरे उत्तराखंड से अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आपको रुद्रप्रयाग ले चलते हैं, वहां से रोहित हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, कैसा मौसम है रुद्रप्रयाग में? चारधाम यात्रा भी बीच में रोकी गई है, फिलहाल क्या तैयारी नजर आ रही है? जैसे कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार लगातार कह सकते हैं कि देर रात से यहाँ पर बारिश जारी है। बारिश के जनजीवन काफ़ी प्रभावित यहाँ पर हो चुका है। कह सकते हैं कि केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी कई जगहों पर डेंजर जोन उभरा है। इसके अलावा बद्रीनाथ जो हाईवे है वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हो रही हैं। कह सकते हैं कि बारिश लगातार यहाँ पर देर रात से जारी है, उस कारण ठंड भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुकी है। और केदारनाथ धाम की हम बात करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी हिमपात भी कल से हो रहा है और अभी भी यहाँ पर लगातार बारिश जारी है। देर रात वहाँ पर जब रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई केदारनाथ धाम में तो लोगों को बाहर ही सोकर अपनी रात गुजारनी पड़ जाए। कह सकते हैं कल भी केदारनाथ धाम में 14 से 15 हज़ार के करीब तीर्थ यात्री धाम पहुँचे, जिस कारण जो आंकड़ा है 1 लाख अभी तक पार कर चुका है। तो लगातार कह सकते हैं बारिश भी यहाँ पर जारी है, मौसम का मिजाज यहाँ पर बदला हुआ है और जो प्रशासन है वहाँ भी सतर्कता बढ़ते हुए हैं। यात्रियों को जगह जगह अब यात्रा रोका गया है, उनको रहने खाने की व्यवस्था के तरफ पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। रास्ते भी यहाँ पर जब बारिश लगातार जारी है तो ऐसे में जो विद्युत व्यवस्था है वहाँ भी ठप पड़ी हुई है। देर रात से यहाँ पर अंधेरा जो लाइट है वहाँ भी बंद पड़ी है। ऐसे में जो लोगों की दिक्कतें हैं वो भी बढ़ गई हैं। मंदाकिनी का जलस्तर है, बारिश कारण लगातार बढ़ गया है और
कह सकते हैं कि ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार जब बर्फबारी हो रही है तो निचले वाले इलाकों में रोहित देखिए मौसम जो है वो चेतावनी के मुताबिक ही बदल रहा है, इसलिए एहतियातन कदम उठाए गए हैं। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए।